हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G14 फ़ोन है, तो मोटो G14 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की रिंगटोन्स वगैरह को आप सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन के रिंगटोन्स को आप कैसे सेट कर पाएंगे अपने फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि रिंगटोन्स वगैरह को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में और रिंगटोन्स को कैसे आप अपने फ़ोन में सेट कर पाएंगे अपने मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि रिंगटोन्स को सेट कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाना है जहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है साउंड एंड वाइब्रेशंस। तो साउंड एंड वाइब्रेशंस पे जाकर जो भी रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो आप कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपली फ़ोन रिंगटोन सेटिंग्स आ रही हैं, जो भी रिंगटोन्स आप सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं और आपके फ़ोन में रिंगटोन से सेट हो जाएगी जो कॉलिंग्स पे शो करेगी। और आप चाहें तो अलार्म्स रिंगटोन्स को भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से, और आपके फ़ोन में अलार्म रिंगटोन्स भी सेट हो जाएगी जो आपके अलार्म्स में शो करती है। और साथ तो आप नोटिफिकेशंस में भी रिंगटोन्स लगा सकते हैं अपने फ़ोन में, और आप देख सकते हैं कि जो भी रिंगटोन्स आप सेट करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। और यहाँ से रिंगटोन्स को नोटिफिकेशंस रिंगटोन्स को भी लगा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस के रिंगटोन्स को सेट कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।